तो देखो क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है आपको। सबसे पहले अप्रोच क्या है, जो जो आपको क्वेश्चन में दिया हो वो आप लिख लो, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.51। अब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है केवी। केवी ऑफ वाटर हमें दे दिया 0.51, ये क्वेश्चन ने दे दिया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, यानी हमें मोलिलिटी दे दी कितना, 0.1, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट पूछा है किसका, सोल्यूशन का, यानी टीवी पूछा है। तो ये तो अगेन सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इक्वल टू के वी इंटू एम। अब देखो हमें सॉल्यूट के बारे में दिया हुआ है NaCl, है ना, आगे आई भी आता है। तो NaCl आपका क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जब मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाया था तो बताया था कि जो भी जितने भी सॉल्ट हैं बाई डिफॉल्ट वो 100% आयनाइज होते हैं, है ना। तो अगर इसका मैंने 1 माना इनिशियल मोल, तो ये 0 और ये 0, तो इसका आई कितना आ जाएगा भाई, आई 2 आ जाएगा, दो टू आयन्स आ बने होंगे, जाएगा। तो आई हमारे पास 2 आ चुका है। और जिनको वांट ऑफ फैक्टर नहीं आता निकालना, वो पहले वांट ऑफ फैक्टर निकालना सीखें, है ना। मैंने वीडियो शेयर कर रखे हैं, तो अब हमें यहाँ पर सारी वैल्यूज पता पड़ गई। आई आ गया 2, के वी आ गया 0.51, एंड मोलिलिटी आ गई 0.1। तो अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 0.102, ये डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी होता है हमारे पास टीबी माइनस टीबी नॉट, है ना। हमें पता है कि जो प्योर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो टीबी नॉट की जगह मैंने क्या रख दिया, 100 रख दिया। मुझे यहाँ से क्या निकालना है, टीबी निकालना है, तो यहाँ से टीबी की वैल्यू मेरे पास आ गई 100, उधर जाके ऐड होगा तो 100.102, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये था हमारा, ये कौन सी हंड्रेड वैल्यू का पॉइंट 102 आ रहा है, तो जो बी ऑप्शन है हाँ उसमें 100.1 लिखा है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है ना। वो कौन सी यूनिट में आया, डिग्री सेल्सियस में, क्यों, क्योंकि हमने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट या डिग्री सेल्सियस में रखा है, ये हमारा हो गया ऑप्शन हाँ नंबर जी टू, सर। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था।